शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको रोग मुक्ति के दो उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको शुक्रवार के दिन ही करने हैं। ये उपाय करने बहुत ज्यादा सरल है, आप किसी भी शुक्रवार को यह उपाय कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय एक एनिमेशन वीडियो द्वारा तैयार करके समझाए जाते हैं ताकि आपको उपाय करने में या समझने में कोई गलती या कोई कमी ना लगे, क्योंकि गलत उपाय करने से दोष भी लगता है और वह उपाय भी प्रभावकारी नहीं रहता है, जिसकी वजह से किया हुआ उपाय आपको लाभ नहीं देता है। आइए पहले उपाय की बात करते हैं। पहले उपाय को करना बहुत ज्यादा सरल है। इसको करने के लिए आपको केवल एक सामग्री की जरूरत होगी, वो होगा सेंधा नमक। जी हाँ, आपने सेंधा नमक लेना है, किंतु यह टुकड़ों वाला होना चाहिए और पीसा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रख लेना है और जिस तरह आपने अपना सिरहाना रखा होगा, आपने उस तरफ एक कटोरी में सेंधा नमक रख कर वहीं पर सो जाना है। इससे आपकी सेहत ठीक होगी। जो यह सेंधा नमक होगा आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी को रात में ही अब्सॉर्ब कर लेगा और आपको रोग मुक्त कर देगा। यह उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। इस उपाय को करने से आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। आइए दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरे उपाय को करने के लिए आपको केवल एक रुपए के सिक्के की जरूरत होगी। जी हाँ, आपको केवल एक रुपए के सिक्के की जरूरत होगी, जो कि आपको गिनती में केवल एक ही लेना है। इस एक रुपए के सिक्के को आपने रात को सोने से पूर्व आपने सिरहाने के नीचे रख कर ही सोना है और सुबह उठकर उसे शमशान के आसपास फेंक देना है। याद रहे, जब आप यह उपाय कर रहे होंगे तब आपको कोई देखे नहीं। इससे आपका जीवन रोग मुक्त हो जाएगा। आपकी जो भी बीमारी होगी वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।